मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भले ही आप कितने ही बड़े बड़े दावे कर लें विकास के, पर जो आज हम दिखाने वाले हैं उसके बाद तो आपके सारे जुल्मों की पोल खुल जाएगी। आज आपको पता चलेगा कि आपके प्यारे भांजे भांजी आपके ही 18 साल के शासनकाल में बहती नदी पार करके स्कूल जाने पर मजबूर हैं। कई शिकायतों के बाद भी एक नदी बच्चों के स्कूल का रास्ता इसलिए रोक लेती है क्योंकि नदी पर पुल नहीं बना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास पर्व के अंतर्गत प्रदेश के कई जिलों में जाकर विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं, लेकिन डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत चकमी इलाके का वीडियो जो तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर तो उन्हें जवाब देना चाहिए कि आखिर क्या मजबूरी थी उनकी जो उन्होंने अभी तक ग्राम पंचायत चकमी की सिवनी नदी पर पुल का निर्माण नहीं करवाया। मुख्यमंत्री चौहान, आप तो कहते हैं कि बच्चों तुम चिंता मत करो, तुम्हारा मामा बैठा है, तुम्हारी सारी पढ़ाई मामा करवाएगा और तुम्हें सारी सुविधाएं देगा जिससे तुम पढ़ सको, आगे बढ़ सको। फिर बच्चे सिवनी नदी पार करके हरसती एवं देवतराई मोहल्ले के प्राथमिक शाला बेईरा जाने को क्यों मजबूर है? इसका जवाब तो आपको देना होगा मामा जी। इन बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि यदि बाढ़ आती है तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, नदी में ज्यादा पानी हो तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, और कम बारिश होती है तो हम उन्हें साथ में नदी पार कराते हैं ताकि बच्चों के साथ कोई हादसा ना हो जाए। मामा जी, आपके 18 साल के शासन में ये विषम हालात अब भी बने हुए हैं। नदी है और यहाँ बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं तो पढ़ नहीं पा रहा। हमारे गांव में इसलिए बनना जरूरी है सिंधु नदी, तो पूरा रहता है तो कहाँ से लग पाएंगे। पढ़ने जाता है तो स्कूल भी नहीं लगता है, मास्टर भी इसी पार का है तो मास्टर इस पार नहीं लग सकते, तो पूरा में पढ़ाई नहीं हो पाता है। यहाँ बनना चाहिए, हमारा ये है कि सिंधु पुलिया बनना चाहिए। आने जाने से बच्चन के स्कूल हमारा नहीं बनता है, बहुत दिक्कत जाता है बच्चन की बरसात में। पुल बनना चाहिए तो डर भी लगता है, अपनों भी डरते हैं, झाड़ आ जाता है, कहाँ नक पाएंगे हम, ये हमारा परेशानी है। कुछ इस इलाके के सरपंच भी शासन प्रशासन पर सीधा आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि मैंने तो नदी पर पुल बनवाने के लिए काफी कोशिशें कर ली लेकिन अब थक के हार गया हूँ। जिला स्तर तक अधिकारियों को कई कई बार इस समस्या से अवगत करवा दिया लेकिन अभी तक किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। मुख्यमंत्री चौहान, विपक्ष की तो छोड़िए, अब तो आम जनता भी आपसे सवाल कर रही है कि महाराज आप सिर्फ बातें ही करेंगे या कुछ काम कर भी दिखाएंगे? जब से मैं सरपंच जीत के आया हूँ तब से मैं पुलिया के लिए प्रयास कर रहा हूँ और पहले भी मैं जनपद पंचायत जिला पंचायत में इसकी जानकारी अवगत कराया और कलेक्टर साहब अपने यहाँ ग्राम कम्युनिटी में दो बार आए भ्रमण के दौरान, दोनों बार में उसको अवगत कराया और अवगत कराने के बाद 8 महीने फाइल जमा हुआ इधर से कार्रवाई हुई जनपद पंचायत से, 8 महीने बाद भी वहाँ का कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अपन ग्रामवासी इस बार सरपंच सहित बहुत लोग 40-50 लोग वहाँ गए हुए थे डिंडोरी और आवेदन दिए थे, अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हमारा मांग है कि वहाँ पर यह करना चाहिए। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, saath hi global festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential.
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।